नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश, किसी भी हालत में गणेश प्रतिमा का विसर्जन व ताजिया को दफनाया नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि लोग गणेश की प्रतिमा अपने घरों में स्थापित करेंगे और छोटी ताजिया लोग अपने घरों में रखेंगे तथा कोरोना के कारण गणेश प्रतिमा व ताजिए का विसर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट रविन्द्र कुमार मिश्र, ब्यूरो मंडल, अयोध्या। मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ये सूचित करना चाहता हूँ कि आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को देखते हुए COVID-19 के प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि दोनों ही समुदाय के लोग अपना अपने धर्म के अनुसार कार्यक्रम अपने अपने घरों में ही करेंगे। गणेश प्रतिमा रखनी हो वो भी अपने घरों में रखेंगे और मुहर्रम के ताजिए, छोटे ताजिए, वो भी अपने घरों में रखेंगे। और दोनों ही समुदाय के लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों को सिराने या ताजियों को दफनाने की व्यवस्था इस बार नहीं हो सकेगी COVID-19 के प्रावधानों को देखते हुए। इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरे जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। लोग आश्वस्त हैं और सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कतिपय स्थानों पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है कि वो गणेश विसर्जन या मुहर्रम का जुलूस निकालने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोतवाली में एक शहरी क्षेत्र में एक मोहल्ले में एक गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसका विसर्जन करने के लिए 8-9 लोग नदी पर गए थे। उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसी प्रकार से देवा कोतवाली में भी एक गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का प्रयास करने के आरोप में कुल मिलाकर करीब 12 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगातार शांति व्यवस्था मीटिंग करने के साथ जो भी दोनों धर्मों के प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में गणेश मूर्ति का विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से मुहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस निकलने या उन्हें दफनाने की कोई अनुमति किसी भी तरह से नहीं दी जाएगी। नगरवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो इन शासन के जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन करें। पिछले 5 महीने के समय में आपका निरंतर सहयोग मिलता रहा है। ये विशेष परिस्थिति है, इस समय धर्म से ऊपर उठकर जो हमारी सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, परिवार और व्यक्तिगत सुरक्षा